बार एंड जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बाइक के ट्रायंगुलर शेप के साथ ही होते हुए यहाँ पर ये लुक कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे जज कर पाएँ कि हमने इसको कैसे फिट किया है। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से माउंट हुए हैं। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं निंजा जी 900 की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक होने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी लुक करती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं, तो वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगा रखी है एडजस्टेबल दोस्तों लीवर, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर लगा रखी है रेडिएटर गार्ड, तो ये भी आप यहाँ पर लुक को चेकआउट कर सकते हैं कि जो रेडिएटर गार्ड हो किस तरीके का लुक करने वाला है। साथ ही हमने यहाँ पर लगा रखा है दोस्तों कस्टम एग्जॉस्ट जो कि होने वाला है SC का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से कस्टम टैल टेडी हमने यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी लुक देती है। ड्रॉबैक यही है दोस्तों, बारिश के टाइम पर थोड़ा मड ऊपर की तरफ आता है, बट जो बाइक का लुक है वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाता है। साथ ही अब हम यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं वो मॉडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं इसके बार एंड मिरर्स पे। स्टोक को आप देख सकते हैं कि स्टोक जो मिरर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे लुक करने वाले हैं। तो इनका जो लुक है दोस्तों वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगुलर मिरर्स लगाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बार एंड मिरर होने वाले हैं। तो अभी हम आपको रफली यहाँ पर दिखाते हैं कि ये कैसे लुक करेंगे, उसके बाद कम्प्लीट इसकी फिक्सेशन होने के बाद भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला है एक चीज़ जो कि सभी लोगों की कंप्लेन रहती है कि आप दूसरी तरफ तो इसको फिक्स कर पाएंगे बट रेसिंग साइड आपको इसको अच्छे से फिक्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिंग साइड है वो यहाँ पर स्टक हो जाती है। तो वो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मिरर दिखाना चाहूँगी, कुछ इस तरीके का मिरर होने वाला है। 360 इसका व्यू मिलता है दोस्तों, यानी कि आप इसको 360 रोटेट करवा सकते हैं, किसी भी एंगल पोजिशन के अंदर इसको रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँ, क्वालिटी तो काफ़ी प्रीमियम है बट जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करके मत चलिएगा। बाकी लुक्स काफ़ी अच्छा इन्हेंस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फिट करेंगे, उसके बाद जो नट आता है उसी पे इसको डायरेक्ट माउंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो जाएगा। तो सीधा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकाल देने हैं साइड के बार एंड्स को, उसके बाद आपको सीधा इसको इंस्टॉल करवा देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करवाते हैं। सो एज यू कैन सी दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रेस है बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर बिल्कुल भी चोक नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोस्तों इसके साथ इसको अटैच ही नहीं होने दिया है। आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो हमने फार ही रखा है। अगर यहाँ का ये गैप दोस्तों मिनिमाइज हो जाता तो यहाँ पर ये दिक्कत आती, बट यहाँ पर हमने इस दिक्कत को नहीं आने दिया है। तो आप देख सकते हैं अब आप इसको किसी भी लुक के अंदर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको उसका लुक दिखाना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी इसके लुक को रख सकते हैं, इनसाइडली भी आप रख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। 360 आपको यहाँ पर रोटेशन मिल जाता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको रख पाएंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा फार शॉट दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी बाइक लुक करने वाली है। एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पर दोस्तों इसके जो मिरर्स हैं स्टॉक मिरर हैं उनको बाहर निकालते हैं, फिर मैं आपको एक फाइनल लुक दिखाता हूँ। एज यू कैन सी दोस्तों, मैं यहाँ पर जो स्टॉक मिरर्स हैं उनको निकाल दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो लुक है वो किस तरीके का आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बार एंड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बाइक के ट्रायंगुलर शेप के साथ ही होते हुए यहाँ पर ये लुक कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे जज कर पाएँ कि हमने इसको कैसे फिट किया है। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से माउंट हुए हैं। आगे की तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आगे की तरफ से कैसा लुक करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं बाइक का जो हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और काफ़ी अच्छा लुक करता है। साथ ही एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप यहाँ पर इसके रोटेशंस को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी एंगल्स में इसको रख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी है दोस्तों वो ये है कि आप इसको आगे और पीछे भी रोटेट कर पाएंगे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि इसको इन और आउट भी आप कर पाएंगे इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। आई होप सो दोस्तों आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छा लगा होगा। और भी कोई मॉडिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।